नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम इस वक्त डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत दीप होंडा सर्विस सेंटर पर आए हुए हैं, जो बरसों से यहां पर सर्विस सेंटर के नाम से वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यहां पर हर तरह की वाहनों का सर्विस का कार्य किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर दुपहिया वाहन जो सेकंड हैंड लोग खरीदना चाहते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर हर तरह के वाहन उपलब्ध हैं। इस संबंध में यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, पार्षद वगैरह सब यहाँ पर पहुँचे थे और आज इसका शुभारंभ भी किया गया है। यहाँ पर किस तरह के वाहनों की सर्विस की जाती है, साथ ही कौन कौन से वाहन यहाँ पर उपलब्ध हैं, इस संबंध में यहाँ के जो मालिक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इससे पहले हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे वाहन जो आप देख सकते हैं सर्विस के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्विस की जाती है। यहाँ पर मैकेनिक भी हर तरह के मैकेनिक उपलब्ध हैं और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन मैकेनिकों को यहाँ के जो मालिक हैं वो दोपहर का भोजन भी उपलब्ध करवाते हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं। साथ ही यहाँ पर आगे हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से वाहन जो हैं यहाँ पर सेकेंड हैंड उपलब्ध हैं, इस संबंध में देखते हैं हम। आइए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे वाहन दिखाए गए हैं आपको, स्कूटी से लगाकर होंडा से लगाकर पैशन प्रो वगैरह सारे वाहन यहाँ पर उपलब्ध हैं, दुपहिया वाहन जो सेकेंड हैंड, जो बजट आज के ज़माने में अगर कोई बजट में नहीं आता है और नए वाहन नहीं खरीद सकता है, नए बाइक नहीं खरीद पाता है, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ पर, जो बाइक यहाँ पर खरीद सकता है और अपना जो सपना है उसको साकार कर सकता है। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई नया वाहन खरीद नहीं पाता है और सेकेंड हैंड वाहन की तलाश में रहता है और सेकेंड हैंड वाहन उसको मिल नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर उसको हर तरह का उसकी चॉइस के मुताबिक जो भी वाहन वो सेलेक्ट करे वैसा वाहन यहाँ पर देख कर वो उसको खरीद सकता है। यहाँ के जो मालिक हैं, जो यहाँ के सर्विस सेंटर के मालिक हैं और जो दुपहिया वाहन के विक्रेता हैं, उनसे हम एक मुलाकात करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई दुपहिया वाहन बेचना चाहता है तो भी बेच सकता है और उसके बदले में अगर दुपहिया वाहन और नया खरीदना चाहता है तो भी खरीद सकता है। मतलब कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई पुराना व्हीकल है और उसको आप नहीं चाहते हैं कि इसको चलाएं और उसको बेच के दोबारा एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदें तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस की सुविधा भी ये उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको हम बधाई देते हैं कि आपने इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर, जैसा कि सागवाड़ा क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में ही देख लें तो इतना बड़ा कारोबार जो है सेकेंड हैंड बाइक का कहीं पर देखने नहीं मिलता है और बजट आज के ज़माने में बजट में भी नहीं आता है, तो लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में आकर बाइक खरीद भी रहे हैं। तो इस संबंध में आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बाज़ार लगाया है, क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं, बताएँ एक बार। हम जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो पुरानी बाइकें हम खरीदते भी हैं और उन्हीं को रजिस्ट्रेशन यानी उसके छोटा मोटा जो भी काम हो वो करके हम पुरानी गाड़ियाँ बेचते हैं कस्टमर को और साल भर की गारंटी भी देते हैं हम। दूसरी बात, कोई अगर ऐसा है कि भाई पुरानी गाड़ी लेनी है, मेरे पास बजट नहीं है और पुरानी गाड़ी लेनी है लेकिन पुरानी में और भी कम है, तो 10,000 लेके आता है, 15,000 लेके आता है, तो भी उसको हम पुरानी गाड़ी उपलब्ध करवा देते हैं। मतलब कि आप फाइनेंस भी कर देते हैं, इसके साथ में एक साल की उसकी गारंटी भी दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, सेकेंड हैंड बाइक में गारंटी भी मिल रही है आपको और इसके साथ में एक साल की गारंटी के साथ साथ में यहाँ पर सर्विस सेंटर भी है, अगर कोई समस्या आती है तो वो भी यहाँ पर ठीक की जाएगी। हमारे साथ में आप यहाँ के मैकेनिक हैं, आप हमें बताएं किस तरह की यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं आपके पास और क्या क्या उसमें सर्विस में क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं। सर्विस में हम ऑयल, व्हील सर्विस, जैसे कि एक सर्विस तो हम देते ही हैं कस्टमर को, जो गाड़ी देते हैं उसको फर्स्ट सर्विस हम एक बार देते हैं, फ्री देते हैं फर्स्ट पर। फ्री। मतलब कि पहले एक जो गाड़ी यहाँ से निकलती है उसकी फर्स्ट सर्विस यहाँ पर फ्री दी जाती है, ले जाता है उसी दिन कस्टमर, जिस दिन गाड़ी खरीदता है उसी दिन हम उसको एक कंप्लीट सर्विस करके देते हैं। मतलब जिस दिन वो ले जाएगा सेकेंड हैंड गाड़ी उसको पूरी सर्विस करके कंप्लीट करके आप देंगे और इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप सॉल्व करके देंगे। इसके साथ ही आपके पास फिलहाल कौन कौन सी टू व्हीलर में बाइक उपलब्ध है? मेरे पास में हीरो की सब गाड़ियां हैं, बजाज की गाड़ियां हैं, टीवीएस की गाड़ियां हैं, स्कूटी में मेरे पास में ये सारे मॉडल पड़े हुए हैं, यानी छोटी से लगा के 150 cc 200 cc तक की गाड़ियां भी मेरे पास में उपलब्ध है। और दूसरी बात, हमारी जो खासियत है वो हम बताते हैं, हमारे गाड़ियां बेचते हैं उसके साथ में हमारे टू व्हीलर का वर्कशॉप है, तो कस्टमर को इतना विश्वास रहता है,
आज नई गाड़ी लेनी हो तो भी लोग नेट पे सर्च करते हैं और कितने लोगों को पूछते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ी लेने आता है कस्टमर तो उसको हम बोल देते हैं भाई ये गाड़ी ले जा, तो वो ले जाता है हम पे विश्वास करके और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, वो हमारी गारंटी है। ये हमने कमाया है सबसे ज़्यादा। बहुत ही बड़ी बात, मतलब एक विश्वास कमाया है आपने। और साथ ही आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि सभी तरह की बाइकें आपके पास उपलब्ध हैं, तो जो भी यहाँ पर खरीदना आएगा उसके लिए सबसे बड़ी बात विश्वास की बात है कि अगर कोई समस्या भी आती है तो इनके पास सर्विस सेंटर मौजूद है, तो सारी समस्याओं का समाधान भी एक ही छत के नीचे होगा। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जो ये कारोबार है बहुत अच्छा फले फूले, और वागड़ क्षेत्र में जिस तरह से आपने विश्वास और नाम कमाया है वैसा और भी आगे बरकरार रहे और बढ़ता रहे। यहाँ पर जैसे कि नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया वो भी पहुँचे, तो हम एक मुलाकात उनसे भी करते हैं और इस बारे में उनसे भी राय लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया और क्या कुछ प्रतिक्रिया वो व्यक्त करना चाहते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं सागवाड़ा नगर की और सागवाड़ा क्षेत्र की जनता को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आज बहुत ही पवित्र दिन है कि माँ अम्बिका को हम याद करके और नवरात्रि पर्व के लिए आज प्रथम दिन हम उनकी घट स्थापना कर रहे हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे 10 दिवस तक। और देश के अंदर या वागड़ के अंदर ये नवरात्रि के त्यौहार में सभी मिलजुल के हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाएंगे। रात्रि में सभी गरबों का कार्यक्रम भी होंगे, जो नगर में भी विभिन्न मोहल्लों में विभिन्न वार्डों में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज का दिन पवित्र दिन है, उस हिसाब से जितना भी व्यापारी वर्ग है वो आज के दिन अपने व्यवसाय की, नए व्यवसाय की शुरुआत करता है, उसी के अंतर्गत आज दीप होंडा के द्वारा एक शुभारंभ रखा गया है, जिसके अंदर हमें, हमारे पार्षदों को, सबको यहाँ और नगर की आम नागरिकों को, सभी को, अपने मित्रों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं उनको भी बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और माँ अम्बिका के चरणों में मैं नमन करते हुए उनके इस व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, समृद्धि हो, ये कामना करता हूँ। आज इन्होंने जो व्यवसाय आज प्रारंभ किया है वो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। इन्होंने सर्वप्रथम कई वर्षों पहले एक छोटे से दुकान के रूप में इन्होंने सर्विस सेंटर चालू किया था और इसके बाद धीरे धीरे इनका व्यवसाय बढ़ता रहा। आज देश के अंदर सेकंड हैंड गाड़ियों की जो मांग है वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बजट नहीं है, तो वो ये सोचता है कि मैं मेरे बजट के अंदर एक अच्छी गाड़ी लूँ। उसके अंतर्गत कभी वो मोटरसाइकिल भी खरीदता है पुरानी और कभी कार भी खरीदता है, मगर आज देश के अंदर नई कारों के मुकाबले पुरानी कारें और पुराने मोटरसाइकिलों का भी बाज़ार बहुत अच्छा बढ़ रहा है। जैसा कि अखबार हमें बताते हैं, टीवी हमें बताते हैं कि देश के अंदर दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन का कारोबार, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं, उनको खरीदने के लिए भी जिनके पास बजट नहीं होता है वो ये चाहते हैं लोग कि हम भी हमारी इच्छाओं को पूरा करें और हमारे परिवार में एक दो पहिया और चार पहिया वाहन खरीदा जाए। वास्तव में मैं ऐसे व्यवसायी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के व्यवसाय को सागवाड़ा में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया है, और मैं कामना करता हूँ प्रभु से कि आपका व्यवसाय और आगे बढ़े, उत्तरोत्तर आप समृद्धि को समृद्धि प्रदान करें प्रभु आपको, और हमेशा आप एक ईमानदारी से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहें। 2002 से दीप होंडा का व्यवसाय यहाँ सागवाड़ा में उन्होंने प्रारंभ किया था और उन ये जो व्यवसाय अभी कर रहे हैं उसके अंतर्गत लगभग ये 20 से 22 कार्मिकों को ये उनका रोज़गार दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मुझे ये भी बताया गया कि कार्मिकों को हम दोपहर का भोजन भी देते हैं, तो ये कितनी बढ़िया बात है कि आप अपने कार्मिकों के प्रति एक जवाबदेह व्यापारी हैं और उनको पूरी सुविधाएं आप दे रहे हैं ताकि उनका भी मन अपने व्यवसाय में लगे और ये आपको भी सहयोग करें और आप इनको सहयोग करें, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह का व्यवसाय बिल्कुल आगे बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि जो व्यापारी अपने कार्मिकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं निश्चित तौर पर वो कार्मिक भी उनको सहयोग करते हैं और व्यापार आगे बढ़ता है। आज जैसा कि हमने अम्बिका दूल्हा हाउस में भी अभी जा कर के सुबह वहाँ पर एक शाखा का उद्घाटन किया है, अम्बिका दूल्हा हाउस, भाई योगेश और भाई कमलेश जो सिरोही ज़िले के रहने वाले हैं, उन्होंने एक छोटी सी दुकान यहाँ चूड़ियों की थी और पहले तो वो बता रहे थे कि हम सड़क पे बैठ के व्यापार कर रहे थे, मगर सागवाड़ा की धरती ने उनको झेला है, यहाँ के लोगों ने उनको झेला है
और उनको उत्तरोत्तर उनको सहयोग दिया है, और आज वो आज उनका इतना व्यवसाय बड़ा है कि भाई कमलेश ने तो एक डिज़ाइनिंग में दिल्ली में जाकर के पहला पारितोषिक प्राप्त किया था पूरे देश के अंदर अपनी डिज़ाइन में। तो ये भी बहुत हमारे लिए सागवाड़े की गर्व की बात है कि ऐसे व्यवसायी यहाँ सागवाड़े में आ रहे हैं और सागवाड़े में व्यवसाय कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सागवाड़ा एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत अच्छा यहाँ का ग्राहक है, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं और सारे व्यापारी ईमानदारी से व्यवसाय कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ का सागवाड़ा का व्यापार बढ़ रहा है। मैं भाई पुनश्च दीप होंडा के परिवार को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय अम्बे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडानिया ने भी काफ़ी तारीफ की और उन्होंने बताया कि वाकई में इनके यहाँ 25 से ज़्यादा जो मैकेनिक है वो कार्य कर रहे हैं, मतलब कि एक रोज़गार का साधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही इनकी काफ़ी ख्याल भी रख रहे हैं, इनके ग्राहकों का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखे हैं, और जो सेकेंड हैंड बाइक खरीदने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप सभी दर्शकों को एक बार नवरात्रि की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।